Good morning. Good morning. How are you? Good. You're taking the sun bath? Yes. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. तो आज मैं और दियान बस ऐसे हमारा नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए टेरेस पे आए हैं, क्योंकि वेदर भी अच्छा हो गया है तो अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है एंड सनलाइट भी अच्छे से आ रहा है, तो थोड़ा बहुत अच्छे से धूप में बैठे और अभी 9:30 जितना हुआ है, तो बस अभी इधर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद नीचे जाएंगे। तो यस दियांश, लेट्स एंजॉय। यस एनीवन हियर, इसको हैबिट नहीं है ना इतना सनलाइट में रहने की, तो आईज उसकी है ना दियांश पूरी ओपन ही नहीं हो पाती। सो इट्स गुड फॉर यू राइट। तो चलिए गाइस, मैं हम लोग एंजॉय करते हैं और दियांश के लिए मैंने इधर आलू पराठा बना दिया है एंड खाखरा, बाजरी खाखरा। ये डिड यू सी दियो है ना? यस कम सिट डाउन हियर। मम्मा यस डैडी ऑलरेडी रीच टू ऑफिस। Our lunch is also ready. Mama cook everything. And so nice. Look, again the pigeon came. The more will come, huh? Hana? What are you doing? Why? But? Hey, what is this? मैं इधर उसका कबोर्ड क्लीन कर रही हूँ। जो ऊपर का जो सेल्फ है वो मैंने बाहर निकल के रखा है, तो उसमें काफी सारी उसकी दवाइयाँ थी और जो भी पाउडर्स ऑयल वो सब कुछ था, तो वो पूरा इधर बैठ के खेल रहा है ऐसे। हाँ दियांश, व्हाई? व्हाट आई वांट टू। एंड उसका कबर्ड जो है दियांश का, वो काफ़ी मैस हो चुका है, क्योंकि पहले दिवाली था, फिर बाद में उसकी बर्थडे पार्टी का थोड़ा बहुत जो भी चल रहा था, और बीच में भी काफ़ी सारी बर्थडे पार्टीज थी तो उसमें आना जाना रहता था, और अभी विंटर स्टार्ट हो गया है तो काफ़ी सारे मीन्स जो लॉन्ग स्लीव के क्लोथ्स भी ऐसे बाहर निकाल के रखे हैं, तो पूरा मैस हो चुका है उसका पूरा कबर्ड। तो आज मुझे पूरा उसका कबर्ड जो है वो ठीक करना है। तो बस ऐसे हमारा लंच भी हो गया है अभी, और ऐसे मैंने सोचा कि उसको सुलाने में अभी थोड़ा टाइम है, तो ये एक साइड का जो कबर्ड है वो सब कुछ मैं ख़त्म करती हूँ। पर उसकी शरारत तो एज यूजुअल चालू ही है। हाँ यस बाय, बट नॉटी बॉय। थैंक यू। शाम के बजे 5 एंड मैं आ गई हूँ किचन में।
क्योंकि 6 बजे दियांश को स्केट्स क्लास में भी लेके जाना है मुझे। उसका 6 to 7 स्केट्स क्लास रहता है हफ्ते में 2 बार, तो उसको वहाँ पे लेके जाना है। तो बस अभी सुबह के जो बर्तन है वो मैं पोंछ के रख दूंगी उसकी जगह पे। एंड दियांश अभी उठ गया है और उसको सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई थी, तो मैं भी उसके साथ सो गई। तो बस अभी उठ के मैं किचन में आ गई हूँ और थोड़ा बहुत बर्तन भी मैंने पोंछ लिया ऐसे। तो बर्तन भी पोछने हैं, फिर जो शाम को डिनर में बनाना है तो आज सिंपल सा खिचड़ी बनाना है। तो उसके लिए दाल राइस जो है वो मैं भिगो के जाऊंगी, क्योंकि आते आते काफ़ी लेट हो जाता है, 7:27, 7:25 हो जाता है आते आते, तो फिर लेट हो जाता है डिनर में भी। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा बहुत मैं थोड़ी कुकिंग की प्रिपरेशन करके जाती हूँ, तो आने के टाइम पर थोड़ा ईजी रहेगा। और बस आने के बाद थोड़ा मीन्स खिचड़ी चढ़ानी होगी, दाल और राइस जो है वो अच्छे से भी मीन्स सोख हो गए होंगे, तो जल्दी से खिचड़ी भी बन जाएगी। तो बस दिया जब भी उठ गया है वो टीवी देख रहा है एज यूजुअल, शाम का उसका 1 घंटे का टाइम होता है। एंड आज सुबह मैं जैसे दियांश को टेरेस पे लेके गई थी तो कपड़े मशीन में डालना ही भूल गई थी, तो अभी मशीन भी मैंने स्टार्ट किया है। और जैसे ही कपड़े मीन्स बर्तन हो जाएंगे, कपड़े सुखाना है दियांश को रेडी करके, फिर बस मैं जाऊंगी उसके साथ स्केच क्लास में। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। कम 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 दियो। वाओ हाय हाय विदू, कम दियो। वेरी नाइस, वेरी गुड दियांश। सास लाइफ नो द रेस्ट Just make a squat straight, echo straight, echo straight, echo straight, echo straight, echo straight, echo straight. Only lifting and pushing. Slowly, okay? Around the four points. Let's go. Bye, train. No. Bend down, please. Bend so that you don't fall. Slowly, slowly. Kavya, slowly, please. Don't let them pass. Slowly. Slowly, Kavya. Stasra, don't look behind. You'll fall. Focus and we go. Diana, bend and focus all of you. Sasra, bend please. Guys, all of you bend down. Kavya, bend. Find the train, please. नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही मैं दियांश का ऐसे ही कबोर्ड नीचे की साइड का जो बाकी था वो अरेंज करने में लग गई थी, क्योंकि आज कुछ भी करके मुझे ख़त्म ही करना था, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े उसके मिल भी नहीं रहे थे। तो बस दियांश जैसे खेल रहा था और उसको लंच करवाने में भी थोड़ा बहुत टाइम था, तो टाइम
अच्छा मिल जाता है सुबह सुबह थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे मैं बस ऐसे उसका अरेंज कर रही थी। जो भी घर के घर में पहनने वाले टी शर्ट्स है, वो बाहर पहनने वाले टी शर्ट ट्रैक्स और पैंट्स है, सब कुछ मीन्स अरेंज करना था अच्छे से, तो उसको सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बाहर निकाल दिया था। इधर ऊपर की साइड में दियाश के जो भी विंटर गारमेंट्स थे, हुडी जैकेट्स, वो सब कुछ मैंने रख दिया था, ताकि वो ज़्यादा होते भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लेके आते हैं तो फिर एक साल में उसको छोटे भी हो जाते हैं, तो हर सीज़न में 2 या 3 ऐसे विंटर गारमेंट्स ले लेते हैं, तो ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने ऊपर की साइड पर ऐसे उसको अच्छे से अरेंज करके रख दिया था, ताकि ईजी एक्सेसिबल भी रहे लेने के लिए। इधर हो गया है दियाश का कबोर्ड अच्छे से अरेंज, तो इस साइड पे जो क्विक ड्राइज और बेडशीट एक जो उसकी एक्स्ट्रा रखते हैं वो लगाया है मैंने, और इधर थोड़ी बहुत मेडिसिन एंड जो क्रीम पाउडर जो होता है वो रखा है। ये नीचे की साइड पे ये एक्स्ट्रा हैंगर्स है वो लगा दिया है, एंड इधर अभी विंटर स्टार्ट हो गया है तो जितने भी जैकेट्स और उसकी कैप्स है, वो हुडी, वो सब कुछ इधर लगा दिया है। इधर एक बास्केट में ये रेगुलर जो डेली वेयर जो होते हैं इधर मैंने वो रखा है, टी शर्ट्स, अभी फुल स्लीव की टी शर्ट्स सारी निकाल दिया है, एंड पीछे की साइड पे ट्रैक्स हो गए घर में पहनने वाले, और ये छोटू सा बास्केट है उसमें उसके सॉक्स एंड जो भी नैपकिन्स वो सब कुछ रहता है। इसमें भी जो ग्रीप वाले, अभी थोड़ा बहुत ठंड ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्रीप वाले घर में भी पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड फ्लोर पे भी लगता है, तो उसके हिसाब से मैंने ऐसे अरेंज करके रखा है। और इधर विंटर की जो कैप्स होती है और हाथ में पहनने के ग्लव्स, इधर उसके जो भी स्कूल ड्रेस है वो अभी तो चाहिए नहीं, मीन्स वैकेशन चल रहा है तो, और इसमें थोड़े बहुत जो भी एक्स्ट्रा वाइप्स के पैकेट्स है वो अंदर की साइड पे रख दिया है। एंड नीचे की साइड पे इधर पूरी जो भी सारी टी शर्ट्स है वो अभी जो भी पहनने में मीन्स सही उसको लगता है वो इधर रखा है, तो आगे की साइड पर पूरा फुल स्लीव रिलेटेड रखा है इधर, एंड पीछे की साइड पर जो बाहर पहनने वाला जो कैप स्लीव टी शर्ट है वो, और इधर पीछे की साइड पे एक दो जो टी शर्ट्स है वो थोड़ी मोटी है, तो वो शायद 1-1.5 साल के बाद आएगी उसको, तो वो ऐसे रख दिया है। एंड नीचे जो एक बास्केट रखा है उसमें आगे आगे की साइड पे जो ऐसे बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो उसके पैंट्स और ट्रैक टी शर्ट जो भी सेट है वो रख दिया है। इधर स्केट्स में या नीचे ऐसे खेलने के लिए जाता है तो उसके हिसाब से ये आगे की साइड पे रख दिया है वो, एंड पीछे जो भी एक मैंने थप्पी बनाई है उसमें बाहर पहनने वाले जैसे कुछ पार्टी या फंक्शन में ऐसे जाते हैं तो बाहर के मीन्स पैंट्स वहाँ पे रखा है। एंड इधर पीछे की साइड पे ये पूरी बैग जो है इसमें उसका पूरा समर वेयर रिलेटेड, सॉरी समर के जो स्विमिंग रिलेटेड है, तो इसमें वो जो कैप्स होगा, गॉगल्स और उसका स्विम सूट है 2-3, वो उसमें रख दिया है। ये एक्स्ट्रा
उसका टॉवेल नीचे की साइड पे, ये बैग में मैंने उसको जो एक्स्ट्रा नाइट सूट्स है वो इसमें रखे, इसमें मींस फुल स्लीव और हाफ स्लीव दोनों है तो वो रख दिया है। एंड इधर भी ये बैग में जो अभी बहुत बड़े कपड़े हैं वो इधर रखा है, ताकि इसमें से थोड़ा बहुत जो भी कपड़ा हट जाएगा 6-7 महीने में तो इसमें से निकाल के रख सकेंगे। और इधर थोड़ी बहुत दुबई में ऑफर्स ज़्यादा रहती है मीन्स समर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे, तो उस टाइम पे 2-3 एक्स्ट्रा टी शर्ट्स या ट्रैक्स या जीन्स कुछ भी हो गया तो हम लोग ले लेते हैं ऑफ़र के टाइम पे। और जब भी मीन्स उसका टाइम आता है कि उसका सही साइज़ और वो सब कुछ हो जाता है तो उस टाइम पे बस ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं, ताकि तो उसका थोड़ा बहुत स्टॉक है तो वो है टी शर्ट्स ट्रैक्स जीन्स है उसमें। एंड ये ऐसे ही उसका होगा। एंड आगे की साइड पे नाइट सूट्स जो अभी पहनता है वो ये फुल स्लीव के है, और अभी रात को इतनी ठंड लगती है पर जैसे सब कुछ बंद होता है तो इतनी ठंड नहीं लगती है, तो ये हाफ स्लीव का एक रखा है नाइट सूट। तो बस ये हो गया उसका ओवरऑल लुक, काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है। और ये साइड पे ऐसे मैंने उसके जो भी दो बेल्ट्स हैं वो ऐसे हुक में लगा दिए हैं, और काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है चीज़ों को अच्छे से रखो तो बस हो गया है उसका ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने दियाश का कपबोर्ड अच्छे से। इधर मैंने थोड़े जो भी कपड़े हैं ये समर रिलेटेड है हाफ स्लीव के, तो हाफ स्लीव या स्लीवलेस वो सब कुछ एक मीन्स एक जगह पे रखना है। ये नाइट सूट है हाफ स्लीव का तो अभी तो चाहिए नहीं ज़्यादा, तो इसको मैं एक बैग में रख दूँगी। और ये जब दिया छोटा था तब जो भी ये सब कुछ चाहिए होता था तो वो भी ऊपर की साइड पे रखा था, तो ये सब कुछ भी इधर मीन्स चैरिटी बॉक्स होता है हर थोड़े थोड़े बिल्डिंग के आसपास रहता ही है, तो उसमें ये सारी चीज़ें डालनी है। उसका छोटू सा ब्लैंकेट जब छोटा था तब ये रात के टाइम पे उसको चाहिए था। ये थोड़े जो भी कपड़े हैं वॉश करना है, ये मैंने बोला ना कि दीवाल के बाद पूरा उसका मीन्स अनऑर्गेनाइज हो गया था, उसका पूरा कबर्ड था वो, क्योंकि दिवाली फिर बर्थडे पार्टीज फिर उसकी बर्थडे गई, तो ये जो कुर्ते हैं उसके उसको प्रेस करना है, ये उसका जो भी बर्थडे का सूट था उसको भी प्रेस करना है, तो ये प्रेस के कपड़े हो गए। एंड ये 2-3 कपड़े हैं वो उसको ट्राई करवाने हैं कि बड़े हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसको अरेंज कर दूँगी।